शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। जी, कौन आप? के कहा कोर जाने? जी, आपने मारी सौगन। बताओ ना के कहा उन्होंने? आसमान और धरती को दूर से देख मैं अकेली समझ रही थी कि दोनों एक है। खड़ों दूर है आसमान धरती से, हमारी उसे पाने की आस बहुत बड़ी भूल थी। हमारा सपना तो टूटना ही था, कब तक बुलावे में जीती जीजी, कहा क्या उन्होंने? उनके ताया साहब इस रिश्ते के लिए राजी ना है, पर इसमें उनकी कोई गलती ना है रसा, हमारी किस्मत ही खोटी। चीची, और सर तारे से सच्चा प्यार करे तो दुनिया की कोई ताकत तारे को और से दूर ना कर सके। हमारे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई रसा? क्यों मैं कुंवरसा से इतना प्यार करने लगी? क्यों उन्हें दिल में बसा बैठी कि मारा जीना मुश्किल हो गया है? अब मैं क्या करूं रसा, क्या करूं मैं? जी, चुप हो जा। अरे यो किस्मत जली, क्यों खुशी के मौके पे मातम मनाने बैठी है? वो विदुर के साथ तेरा रिश्ता करवाने जा रहे हैं ना, तने कुएं में ना धकेलन जा रहे हैं। माँ, क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हो? हाँ, इसके हल्दी तेल चढ़ेगा तो थारो भी रिश्ता होएगा। चल चल, तू रो लेने दे इसे जी भर कर, दिन ही कितने बचे हैं बाकी। मरी एक बात पल्ले से बांध ले छोरी, रसाल के ब्याह में जे थारो रोड़ा अटकाने का इरादा ना है ना, तो चुपचाप से ब्याह कर ले, कोई राजकुमार नहीं आने वाला थारे वास्ते, समझी? तू मेरे मन की मूरत थी जिसे मैं कब से तलाश कर रहा था। और आज मैंने ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि अपना सपना भी तोड़ दिया। ये क्या है भाई साहब, आप किस सदी में जी रहे हो? किसी से प्यार करके अपना और उसका दिल तोड़ लेना, ये कैसा फैसला है आपका? मोमल, मेरी बहन, कैसे समझाऊं तुझे? तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि ताया साहब मुझ पर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। तो फिर तू ही बता, मैं उनकी मर्यादा को कैसे ठेस पहुंचा सकता हूं? भाई साहब, यू आर साउंडिंग टू ओल्ड फैशन। मोमल, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, पर
अपनी मर्यादा अपने संस्कारों को तो ताक पर नहीं रख सकते ना, मगर किसी मासूम के दिल के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं आप। उमल, मुझे नहीं पता था कि वो मदन सिंह की बेटी है। अगर आपको पता होता कि वो मदन सिंह की बेटी है तो क्या आप उसके चेहरे को अपनी तस्वीरों में नहीं ढालते? क्या तब वो आपकी मन की मूरत नहीं होती? शायद। आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। सरासर झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। अगर ऐसा होता तो सच्चाई पता चलते ही आप उससे दूर हो जाते, पर आपने ऐसा नहीं किया। दीप भाई साहब पूरी रात लॉकअप में रहे और आप रुक्मी और उसके परिवार की मदद करते रहे, घर तक छोड़ने गए उन सबको। क्यों भाई साहब? क्योंकि मैं रुक्मी से प्यार करता, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मदन सिंह के साथ नाइंसाफी हुई है। तो अब जो आपने किया क्या वो इंसाफ है? सारी जिंदगी अपने प्यार का गला घोटकर जीने का आपका ये फैसला किसके साथ इंसाफ कर रहा है? रुक्मी के साथ, आपके साथ या उसके परिवार के साथ? बोलिए भाई साहब। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। मर्यादा जब टूटती है तो मर्यादा दूसरा रूप ले लेती है, पर दिल के टूटने का कोई दूसरा रूप नहीं होता, वो तो टूट के शीशे की तरह बिखर जाता है। मैं क्या करूं? मैं सच्चे प्यार की ताकत सदियों से मर्यादा तोड़ते आई है, तो फिर आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? जिंदगी आपकी है, रुक्मी की है, तो इसमें ताऊ से अपना हक कैसे जमा सकते हैं? मुमल, पागल हो गई है क्या? इस वास्ते तने विदेश पढ़ने भेजा था कि तू अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ आवाज उठा सके। मत भूल, थारे को पर्दे से निकालकर दुनिया दिखाने का फैसला भी थारे ताया सा ने ही लिया था। मासा आप जा यहां से। एक तो मारो बेटो परेशान है, ऊपर से न जाने क्या क्या उसके सामने बकवास कर रही है। जा यहां से। बेटा, आज मैंने पता चला है कि मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है। हाँ, कितनी फिक्र है तुझे मर्यादा की। जी, वो ही है। साची बेटा, अगर दोनों परिवारों में दुश्मनी ना होती ना, थारी इस पसंद के माथे पर बहू का टीका कर देती। थारे ताया सा को नाराज करके थारी खुशियों की कामना पूरी कर सकूं। मारे को माफ कर दे बेटा, अपनी मां को माफ कर दे बेटा। अरे ये तो फिर से बुझ गई। तो मैं गरम कर देती। थारी तबीयत संभली को नहीं बापू। हुक्का पीना कम कर दो। ना, क्या नहीं हो सके। थारी तबीयत को सवाल है, थारी जिंदगी को सवाल है। कह रहे हो बापू? मैंने थारा रिश्ता उस विदुर से नहीं करना है। थारे से तो बड़ी छोरियां है उसकी, थारा रिश्ता उससे नहीं करना मैंने। बापू, आप ना चाहो अपनी छोरियों का कन्यादान करना? बारी रुक भी कई खोटे,
पर एक बाप अपनी एक छोरी की खुशी के वास्ते दूसरे ये कहिया बेच सके ना रुक्मिणा, मैं थारो ब्याह उस विदुर से नहीं होने दूंगा। मारी रुक्मी के लिए तो राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे सवार होके। आया तो बापू, पर सपनों टूटने का दर्द हकीकत से भी ज्यादा हो रहा है। ना छोरी ना, मैंने अब थारी माँ की जिद भी नहीं माननी है। और बापू, मन में ये रिश्ता मंजूर है? अरे तेरे कहिया मंजूर है ये रिश्ता? तू तो जाने कि तारे से बड़ी छोरी है उसकी, पर तू कहिया राजी हो सके इस रिश्ते के वास्ते? वो हकीकत इस कड़वी हकीकत से बड़ी तो ना है ना बापू? तुम्हारी हकीकत जान के भी बन्ने अपनाने को राजी हो गयो, और फिर ये रिश्ता होने से रसाल का भी तो घर बस जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर तो दाग है ही, माथे पे दाग लेकर ना जी सकूंगी बापू, कि मारी वजह से मारी बहन के हड्डी तेल ना चढ़े। आप मानो हो ना कि ब्याह संजोग से हुए है, तो फिर होने दो ये ब्याह। शायद विधान ने यही जोग लिखे हो हमारे माथे पे, उसे आप मिटा तो को नहीं सकूंगा ना बाप। ये रोज मेरी मार रही होगी कोई जन्म में, तभी तो सारा दुख सह के उस सब का सुख चाहे बेटा। कैसे मार सके है जीजी इस रिश्ते के वास्ते? आपने गलत सुना होगा, मैंने उसे थारे बापू से कहते सुना। और तन्ने क्यों चिंता हो रही है? थारा रिश्ता तो हो रहा है ना विक्रम से? माँ मैं छीछी को बेचकर अपना रिश्ता ना कर। पागल हो गई क्या तू? हैं? कौन किसे बेच रहे है? अरे रानी बना कर रखेगा वो थारी बहन को। 60 बीघा जमीन है और दो छोरियां हैं। छोरियों का तो ब्याह हो जाएगा और उसके बाद तो सारा घर रुक्मी का ही हो जाएगा। माँ जी, जीजी अगर आपकी अपनी छोरी होती तो भी उसका रिश्ता ऐसे विदुर के साथ कर देती जिसके ब्याह लायक छोरियां? देख रसा, मैं थारी बेकार की बात सुनकर निकलने वाली कोनी। अरे तू छाने भी है, जिस छोरी का ब्याह ना हुए उसके माँ बाप के वास्ते कितना बड़ा श्राप हो गया, और वो भी जिनकी रुक्मी जैसी छोरी हो। अरे क्यों तू ऐसा सोच रही है? मैं सुथेली माँ ना हूं रुक्मी की। अगर आज तक कोई ऐसा रिश्ता उसकी उम्र का आया होता तो मैं पहली माँ होती जो उस रिश्ते का स्वागत करती। पर आयो आयो कोई रिश्ता उसके वास्ते? अरे जो भी आया वो रुक्मी की जली शक्ल देखकर भाग गयो। और वैसे भी अगर तने इतनी चिंता हो रही अपनी बहन की तो लाना रिश्ता, फिर देख मैं क्या करती हूँ। के चाहो जीजी, जिंदगी भर में थारे एहसान तले दबी रहूं? ये तू के कह रही है रसा? सही कह रही, आप खुद को मिटाकर मने जिंदगी ना दे रही हो, बल्कि जिंदगी भर के वास्ते मारे को कर्जदार बना रही हूं। ना रसा, ऐसे तो मैं सोच भी ना सकूं। फिर क्यों मारे पर जिंदगी भर के वास्ते ये बोझ लाद कर जाना चाहती हो आप? मैं अपनी बदनसीबी का साया थारे पर ना पड़ने देना चाहती रसा, पर मारे को ये एहसास जरूर करवाना चाहती हूँ। थारी कुर्बानी के बगैर हमारा ब्याह विक्रम के साथ ना हो पाता।
ऐसा ना है। ऐसा हो अजीर, पहले मूर्तियां बनाकर हमारा पेट भरती थी, अब खुद को बेचकर हमारे को उधार की खुशी देना चाहती हूँ, ताकि जिंदगी भर के वास्ते मैं थारे से नजरे ना मिला सकूं। एक बात कह देती हूँ मैं थारे से, मने थारी कुर्बानी से अपना प्यार ना चाहिए, मैं अपने प्यार को खुद से पाना चाहती कर ना, ना से। मैं भी विक्रम के साथ प्याना करूंगी, थारा ये ऐसा हरे को ना चाहिए। राह तकत मोरी अखियां सुनी, तो आंसू सूख गए मोर साजन, राहत कत मोरी अखियां आंसू सूख गए, किस कारण मोरे साजना, किस कारण मोरे साजना मुझसे रूठ गए। मारे को भी एक सुट्टो दे दो, मैं धारा होने वाला दामाद हूँ। अरे पहले खांसना तो बंद करो। अरे ये खांसी मेरी बीमारी ना है ससुर था, ये तो आदत है हमारी। लाओ सुट्टो दो। उम्र का तकाजा है। अरे मारी उम्र ज्यादा कोनी, मैं मुश्किल से थारे से 8-10 साल बड़ा होऊंगा। ला सुट्टो दो। लो अरे ठाकुर साहब, उसको देखकर काई जवानी को जोर मार रहे हो, लो छाछ पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मारी होने वाली से बोल दो मारे तरह के दौरे से घबरा रहे ना, ये तो मारी आदत है, उसे मने छेड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों नहीं ठाकुर साहब, मारी छोरी थारे बारे में सब जाने हैं। कमाल है, मैं तो सोच बैठो ये गलत फहमी सिर्फ मारे को ही है अपने बारे में। चलो अब वो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अरे अपने साथ जो लाया हूँ वो तो तन्ने दे दूँ, बाद में मुकर मत जाना, मेरी तरफ से ये रिश्तो पक्को है। शीला जी। हाँ सा हाँ, थे चिंता ना करो, सगुण को सारो सामान मैं दे देती हूँ। लो जी ये दुल्हन के वास्ते गहना। आज तो लगा दूँ। और ये दुल्हन के वास्ते कपड़े। जी अभी समय है, मना कर दो। मैंने थारे से कहा कि विक्रम से ब्याह मत कर, मैं ये ब्याह अपनी मर्जी से कर रही। जी आप पर से हमारे पूरे परिवार की आस्था हमेशा के लिए मिट जावे, इतना बड़ा अन्याय ना कर सको आप हमारी जीजी के साथ, रास्ता दिखाओ तो
मैं तारे मंदिर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाऊंगी।